स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। राशि बहन कब तक सोती रहेंगी आप? बाहर तो नाश्ता भी तैयार है, उठिए ना राशि बहन। क्या है राधा, थोड़ी देर और सोने देना, एक मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बहाने बनाना राशि भाभी से बेहतर कोई नहीं जानता। इनकी वजह से पूरा परिवार बुरी हालत में है और देखो यहाँ ये रानी महारानी की तरह सोए जा रहे हैं। बच गए। मैं किस लिए इतनी जल्दी उठूं और क्यों मैं मोदियों के लिए पानी भरूं? अच्छा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे मोदी। तो सोई जाऊं छु। राधा उठ, कितना सोएगी? भाई सुबह सुबह इन लोगों को इस तरह देखते हुए आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, नहीं? ये अक्सर ऐसे ही होता है। आई भाभी, भाभी, भाभी उठो। मधुबेन सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है, सोने देती। तुमको पता है ना कि दिन में पानी सिर्फ एक बार आता है, तो सुबह उठ के पानी क्यों नहीं भरा? मैं कल काम कर करके थक गई थी, इसलिए नहीं उठ पाई, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्या काम कर रही थी तुम, बोलो, मैं भी तो सुनू क्या काम कर रही थी। मधुफई धीरे चिल्लाओ, मेरे बच्चे उठ जाएंगे। तुमने क्या काम किया? तुम तो बैठी बैठी तमाशा देख रही थी। सारा काम तो मैंने और भगवान जी ने मिलके किया है। राशि की बात और है भाभी, उसके बच्चे छोटे हैं, रात भर तंग करते हैं, लेकिन तुम यहाँ बिस्तर में पड़ी पड़ी क्या कर रही हो अब तक? नीचे जाके पानी की व्यवस्था करो। उर्मिला, ये आज सुबह सुबह घर में क्या झगड़ा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? भगवान के लिए झगड़ना बंद करो, घर में मेहमान है, इस बात का तो ध्यान रखो। मोटा भाई, मुझे झगड़ा करने का शौक नहीं है, लेकिन भाभी के काम ही कुछ ऐसे, मुझे बोलना पड़ता है। अरे बंद करो, चुप रहो बस और चलो। चुप रहो, चलो। पानी तो चला गया, हे कृष्ण भगवान। माँ जी, थोड़ा बहुत पानी तो है, लेकिन इतने सारे लोगों का इतने कम पानी में गुजारा कैसे होगा? क्या नहाने के लिए पानी नहीं? जमाई जी, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप, नीचे सार्वजनिक नल है ना,
बना लेंगे। अहम भाई, वो जो हमारे पड़ोसी है ना, बहुत अच्छे इंसान है, एकदम हमारे परिवार की तरह। आप वहां पर जाके आराम से तैयार हो सकते हैं, ठीक है? केम कोकिला बेन, खाने पीने की व्यवस्था तो आपने संभाल ली, पर हवे पानी के बगैर घर कैसे चलाओगे? आप चिंता मत कीजिए उर्मिला बेन। गोपी वो, हम पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करेंगे। ओ धवल, की हालचाल? जय श्री कृष्णा सरदार जी। ससुरेकाल जी। वो क्या है कि घर में काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, नहाने धोने की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी मदद मिल जाती। वो अहम भाई आए हुए थे। ओ दामाद जी, अभी कोई पूछन दी लोड़ है? ओ जी, मुसीबत में अपने पड़ोसी का मान दे। बुलाओ जी। ससुरेकाल जी। ओ जी ससुरेकाल, क्या हालचाल? वो भाभी जी नहीं? वो जी वो अपने पैके गई है, आजकल भीजी है थे। अजी कौन हैगा पुत्र जी? ये दामाद जी हैं, अपने धवल है ना, इनके पैन के हस्बैंड। वो भीजी नहाने वास्ते अपना बाथरूम चाहिए है। आओ पुत्र जी आओ, शर्मान दी की गल है। माँ, हम नाश्ते में पोहे बना लेते हैं, पोहा बनाने में हमें पानी ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है दीक्षा, बना ले। पुत्र जी नाश्ता। राशि बहन, कब तक सोती रहेंगी आप? बाहर तो नाश्ता भी तैयार है, उठिए ना राशि बहन। क्या है राधा, थोड़ी देर और सोने देना, एक मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बहाने बनाना राशि भाभी से बेहतर कोई नहीं जान, इनकी वजह से पूरा परिवार बुरी हालत में है, और देखो यहाँ ये रानी महारानी की तरह सोए जा रही है। राजकोट में डेंगू बुखार फैला, 7 पॉजिटिव मरीज मिले। मोटा भाई, आज सार्वजनिक नल में ही सही, लेकिन स्नान करने को तो मिला। अब लेकिन इस तरह स्नान करना मुझे बड़ा अटपटा लगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। बुखार तो नहीं है? राशिदिका, बैठकर थोड़ा सा नाश्ता कर। चलो बैठो। सबके सब राशि भाभी की चमचागिरी में लगे हुए हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। हाँ भाई,
आज तो बरसों बाद सही समय पर नाश्ता मिला है, वरना आजकल तो हमेशा ही। जीतू भाई, यदि उचित काम उचित समय पर किया जाए तो ना सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि पैसों की भी बचत होती है। बिल्कुल सही बात। काकड़ी पोता ने बहुत होशियार समझे छे, इसकी होशियारी की हवा तो निकालनी पड़ेगी। ये कितनी कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है और ये पंखा बंद है। भाभी ये पंखा बंद पड़ गया है, इसे चालू मत करना क्योंकि ये पुराना पंखा कभी भी धोखा दे सकता है। हवा खावानो बहुत शौक छे ने, अब जब सिर फूटेगा तब पकड़ ठिकाने आएगी। अरे कोकिला, इस खटखटिया पंखे से थोड़ी हवा तो मिलेगी पर ये शोर ज्यादा करेगा, सिर दर्द करेगा इससे। खैर छोड़, तू बैठ के नाश्ता कर। सारो यहाँ वहाँ क्या देख रही हो, नाश्ता करो ना। हाँ हूँ तो। हे कान्हा जी, आज इतनी तकलीफ में भी हमारा परिवार साथ साथ है, एक दूसरे के ताकत बने हुए हैं। आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे परिवार में जो दरार आई है उसे जल्द से जल्द भर दीजिए, सारी चिंताएं दूर कर दीजिए और हर मुसीबत से बचाइएगा। साक्षात ठाकुर जी ने मेरी कोकिलाओं की रक्षा की। ठाकुर जी तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ये तो चमत्कार ही है कि पंखा यूं गिरा और अटक गया, वरना अहम इलेक्ट्रिशियन को फोन करके बुला लो ठीक करने के लिए। कान्हा जी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।